वेन द रिजल्ट्स आर एक्चुअली गुड बट सो कॉल्ड मार्केट एक्सपर्ट्स जो है उन रिजल्ट्स को अपने एस्टिमेट्स के नीचे जब बोलते हैं, उसका जो रिएक्शन होता है नॉर्मली स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में, हमने हमेशा वो रिएक्शन निगेटिव देखा है. बट ओवर द लॉन्गर होराइजन वॉट मैटर्स कि उस पर्टिकुलर कंपनी का, उस बिजनेस का जो ग्रोथ है, जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, जो मार्जिन्स का ग्रोथ है, वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. आज यहाँ पे हम बजाज फिनांस की बात कर रहे हैं, तो बजाज फिनांस के अगर नेट प्रॉफिट के नंबर्स, ऑल टाइम हाई नंबर्स हमने क्वार्टर वाइज देखे हैं, देन उनके जो मार्जिन्स है, स्पेसिफिकली अगर हम मार्जिन्स की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हो या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हो, वो भी ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है. बजाज फाइनेंस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर हम बात करते हैं, तो अराउंड 69% का वो नंबर है. अगर मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करता हूँ, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज ऑल्सो 28%. तो ये दोनों जो नंबर्स है वो ऑल टाइम हाई लेवल्स पे अभी बजाज फाइनेंस के नजर आ रहे हैं. फिर भी मार्केट ने आज इतने अच्छे रिजल्ट्स होने के बावजूद निगेटिवली रिएक्ट किया है, बिकॉज एक बल्क ऑफ दी सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि ये रिजल्ट्स खराब है. 80% की ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ, 14% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, ऑल टाइम हाई लेवल्स ऑफ मार्जिन्स इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट, ये सारी चीजें क्या दर्शा रहे. एनपीएस के नंबर्स अगर आप देखोगे तो वो नंबर्स भी पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा कंट्रोल में है, प्रोविजंस भी कम हुए हैं, तो सारे फैक्टर्स अगर हम ऐसे देखे जाते हैं तो बढ़िया नजर आती है, आते हैं बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स. बट स्टिल कुछ कुछ चीजें जो है, जो एक्यूमुलेटेड क्रेडिट लॉस एंड ऑल दोस थिंग्स, ये ज्यादा मार्केट में प्रमोट हो रही है, एंड दैट्स व्हाई आज बजाज फाइनेंस के स्टॉक को इतना नेगेटिव रिएक्शन मार्केट ने दिया है. हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी को स्टॉक प्राइस लॉन्ग टर्म में फॉलो करती है, एंड दैट्स व्हाट शुड मैटर टू द इन्वेस्टर्स. आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.